मनमाड जंक्शन। और मनमाड जंक्शन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक। और समय देख लीजिए 3:27। तो स्वागत है दोस्तों आपका मनमाड जंक्शन पे, और टाइम हो रहा है 3:25, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग था 3:15 का, लेकिन ट्रेन आई है 10 मिनट लेट, यानी 3:25 पे, और टोटल इसका 10 मिनट रुकने का टाइमिंग था, 3:30 पे डिपार्च होगी। तो देखते हैं कब तक रुकती है। और बात करें मनमाड जंक्शन की, तो MMR इसका स्टेशन कोड हुआ, और टोटल 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 201 ट्रेनें यहाँ पे हाल्टिंग करती हैं, और 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो ये पड़ता है अपना सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीज़न में, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं और जिधर की तरफ जाएंगे, यानी भोपाल होके दिल्ली की तरफ, और दूसरी लाइन अपना मुंबई की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी हुआ। बाकी यहाँ पे इसका 10 मिनट का हाल्टिंग था, लेकिन देखते हैं कब तक रुकती है, उसके बाद डिपार्चर आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बटाटा वड़ा, भेल पकौड़ा, केड़ा और बहुत सारे आइटम यहाँ पे एकदम उपलब्ध हैं, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मनमाड जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 10 मिनट रुकने के बाद, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज भुसावल पे। मनमाड जंक्शन आते ना मगे ना आते ना।
भुसावल जंक्शन और समय देख लीजिए 5:57। और प्लेटफार्म नंबर 5 पे आ चुकी है अपनी ट्रेन। तो स्वागत है दोस्तों आपका हब बनाना यानी केले के लिए मशहूर भुसावल जंक्शन पे। और बात करें भुसावल जंक्शन की तो BSL इसका स्टेशन कोड हुआ और टोटल 9 प्लेटफार्म का स्टेशन है। हॉल्टिंग करती हैं 12 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। तो अपना भुसावल पड़ता है सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में। भुसावल जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से सूरत को जाती है और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं और जिधर को जाएंगे और एक लाइन इधर कानपुर सेंट्रल के रास्ते प्रयागराज को जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी है। बाकी यहाँ पे इसके आने की टाइमिंग था 5:50, लेकिन ये ट्रेन आई है 5 मिनट लेट यानी 5:55 पे। तो टोटल 5 मिनट का हॉल्टिंग है, बाकी दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। और भुसावल पे 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं सीधे आपसे भोपाल में। भुसावल जंक्शन
गोपाल जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो स्वागत है दोस्तों आपका सिटी ऑफ प्लेक झीलों के शहर में, आपका स्वागत है। और समय हो रहे हैं 12:25 और अपनी ट्रेन आ चुकी है भोपाल जंक्शन पे। करें भोपाल की तो BPL इसका स्टेशन कोड हुआ। और दूसरी तरफ आ चुकी है यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति, ये ट्रेन अपने प्लेटफार्म नंबर 3 पे। और भोपाल जंक्शन पॉइंट क्यों, क्योंकि एक लाइन इधर से जिधर से हम लोग आ रहे हैं हुबली टारसी होके, और जिधर को जाएंगे ग्वालियर होके दिल्ली, और दूसरी एक लाइन यहाँ से उज्जैन को जाती है, और एक लाइन यहाँ से मुंबई के लिए जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी हुआ। बाकी यहाँ पे अपना 10 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद दिखा देते हैं आपको डिपार्चर, और इसके बाद सीधे मिलते हैं आपसे सुबह में। भोपाल जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, 10 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से भोपाल जंक्शन से, और मिलते हैं आपसे सुबह में सीधे रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे भोपाल। गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, सुबह के 5:45 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था 4:45 पे, लेकिन ये ट्रेन आई है पूरे घंटे लेट, यानी 5:45 पे। और यशवंतपुरम से है यहाँ तक हमने पूरा डिस्टेंस कवर किया है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर तय करके हम लोग आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे। और हम यहीं पे अपनी इस जर्नी का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद। और दूसरी तरफ आ चुकी हमारे
दुरंतो एक्सप्रेस जो सिकंदराबाद से हज़रत निज़ामुद्दीन को जाती है, दुरंतो एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं।